आगरा में लगातार कोरोना वायरस के मामलों के बीच आज एक राहत की खबर आई। आगरा में आज एक साथ 41 लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक करने के बाद छुट्टी दे दी गई है। फतेहपुर सीकरी के रासा इंटरनेशनल स्कूल को कोविड अस्पताल बनाया गया, जिसमें फतेहपुर सीकरी और आसपास के 60 लोगों का इलाज चल रहा था। इसमें से आज 41 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। 41 लोगों में से 25 फतेहपुर सीकरी के और शेष आगरा के हैं। साथ ही उन्हें 14 दिन तक अपने घर में ही होम क्वारंटाइन करने के लिए बोला गया है। अब तक आगरा में कुल 197 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं और आज उन्हें छुट्टी हुए मरीजों में कुछ जमाती भी शामिल थे, जिन्होंने डॉक्टर और स्टाफ की तारीफ की। आगरा में 15 नए कोरोना के नए मामले आने के बाद यह आंकड़ा 612 पहुंच गया है। 197 लोग ठीक भी होकर घर चले गए हैं, तो वहीं अब तक 15 लोग इस संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। आगरा प्रशासन कुल 42 हॉटस्पॉट पर काम कर रहा है। साथ ही इसमें से 3 से 4 हॉटस्पॉट एक दो दिन में ग्रीन जोन में आने के बाद क्लोज कर दिए जाएंगे। पुलिस और प्रशासन द्वारा लोगों से लगातार लॉकडाउन पालन करने की अपील की जा रही है। सर, जिले में टोटल केस की संख्या पॉजिटिव कितनी है इस समय? आज टोटल 15 केस नए आए थे, इसको मिला दें तो टोटल केस हमारे जनपद के 612 है। उसमें से 41 अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं फतेहपुर सिटी, हमारा जो एलवन डिट्रैच है वहाँ से डिस्चार्ज में है। टोटल डिस्चार्ज की संख्या 197 हो गई। सर, अगर बात करें हॉटस्पॉट कितने हो गए हैं सर जनपद में? टोटल हॉटस्पॉट 42 हैं और इसमें से हमारे जो केसेज निकल के आ गए विगत 3 से 4 दिनों में, ये सारे हॉटस्पॉट के ही हैं। जो हमने बीच में 3 हॉटस्पॉट बढ़ाए थे, ये ऐसे लोग हैं जो हमारी कुछ एक्टिव ड्यूटी में थे या कुछ बाहर से आए, जैसे एक ट्रक ड्राइवर आया था उससे गांव इफेक्ट हुआ है, बट वहाँ हमने उसको ठीक से उनके पूरे एरिया को सैनिटाइज करके कंटेन कर लिया है, वहाँ हॉटस्पॉट जोन बना दिया है। उनकी जो 1 किलोमीटर का एरिया, उसको प्रॉपर सील कर दिया गया है। अगर आप जनपद के रिकॉर्ड को भी देखें, शहर के अलावा जहाँ भी बाहर घटनाएँ हुई हैं, बाहर जहाँ भी पॉजिटिव केसेज आए हैं, फतेहपुर सिकरी हो, एतमादपुर का हो, बाह हो, उस सबको हमने ऑलमोस्ट ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर लिया है। अतः वहाँ कोई चिंता की बात नहीं, हमारी टीम जिस तरह जैसे किसी स्ट्रेटजी से काम करी थी वहाँ काम कर लेंगे। जो हमारा हॉटस्पॉट है इसको बचा के रखना है, यहाँ किसी को इंटर नहीं करने देना है। जो हमारी डोर टू डोर स्टेप की काम चल रहा है, इसमें जो पहले हमने एहतियातन बढ़ता हुआ है उसी को हम ठीक से रखेंगे। यहाँ पर उम्मीद है कि ये स्प्रेड है, यहाँ से हम इसको जाने नहीं देंगे। जहाँ तक देखें, जो हमारे हॉटस्पॉट पहले के थे 11 को हम लोगों ने ग्रीन कन्वर्ट कर लिया है। 3 और भी ऐसे केसेज हैं जहाँ अब 20 से ऊपर दिन हो गए हैं जहाँ कोई केस नहीं आया है, उसको भी करके हो सकता है अगले आने वाले 2 से 3 दिन में उसको हम ग्रीन में कन्वर्ट करें। ये बेवजह घरों के बाहर ना बैठे और ये बाहर ना निकले, सभी अपने दरवाजे बंद करके अपने घरों में अंदर रहे, लॉकडाउन का पूर्ण से पालन करें। आपके गांव में कोरोना का मरीज संदिग्ध पाया जा चुका है, आप लोगों से अनुरोध है कि आप बचाव करें, लॉकडाउन का पालन करें। आप सभी कोरोना की इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें, हम आपसे सहयोग की उम्मीद रखते हैं। हमारा 144 लागू है, अगर आप बेवजह से बाहर निकलकर घूमते पाएंगे। जीओ से अनुरोध है, सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें और अपने अपने घरों में रहें। कोई भी व्यक्ति बेवजह घर के बाहर ना दिखाई दे। ये क्षेत्र ऑलरेडी हॉटस्पॉट घोषित है, सभी आवश्यक सामान की पूर्ति आपको पुलिस प्रशासन द्वारा।
जिम्मेदारी है अपने अपने छोटे छोटे बच्चे आप सड़क पर घूम रहे हैं, आपको ध्यान नहीं है कहाँ बच्चा है आपका? आप खुद बैठे हो कुर्सी पे, बाहर बैठे हो आप, क्यों बैठे हो बाहर आप? अरे समझ में नहीं आ रही आपकी मजा? जो बाहर घूमता दिखाई देगा उसकी वीडियोग्राफी कराकर FIR दर्ज कर दी जाएगी उसके विरुद्ध, और उसका एहसास आपको होगा जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जब आपके खिलाफ वारंट जारी होगा। तो कृपया कर सभी लोग सहयोग करें, अपने अपने घरों में रहें। आपके यहाँ ऑलरेडी 2 कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, उनके साथ ही साथ 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है। सभी लोगों से अनुरोध है की भांति जैसे पूर्व द्वारा सहयोग किया गया है, ऐसे ही सब लोग कोरोना को हराने के लिए अपने अपने घरों में रहेंगे। सभी लोगों से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि कोरोना से लड़ना है, सुरक्षित घर में रहना है, सभी लोग अपने अपने घरों में रहेंगे। आपका ये क्षेत्र पूर्व से ही शहर से लेकर देहात तक आगरा जनपद में कोरोना वायरस की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। थाना मरपड़ा के बाद को भी हॉटस्पॉट बनाया गया है। बताया गया है कि बाद में एक स्वास्थ्य कर्मचारी मिला है जिसको लेकर उसके घर को क्वारंटीन कर दिया गया है और पूरे गांव को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। थाना मलपरा प्रभारी अनुराग शर्मा और थाना ककुआ के चौकी प्रभारी विधानचंद कुशवा के द्वारा दोनों ही गांव में फ्लैग मार्च कर लोगों को घरों में रहने की अपील की गई। वहीं लोगों से कहा गया कि अपने घरों में रहें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है, और गर्म पानी पिए और घर पर रहें, यही क्वारंटाइन का सबसे बड़ा महत्व है। चुप सिंह सक्सेना, आगरा।